सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय रोहित परमार। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर अब हमारा होने जा रहा है। विज्ञान के पेपर के लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे। ऑब्जेक्टिव की टेंशन बच्चों को बहुत होती है क्योंकि विज्ञान के पेपर में ऑब्जेक्टिव बहुत डिफिकल्ट आते हैं, ऐसा बच्चों को लगता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये नहीं है, वास्तविकता में आपका पेपर आसान आता है अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई करी है। अब सही ढंग से पढ़ाई कैसे करें, हमारे पास इतना कम समय बाकी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने जो वीडियो बना रखे हैं आपके लिए वो आपको वॉच करना है, देखना है। उन वीडियो को क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है। देखिए परीक्षा बोध हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव वहीं से हम लोग करते हैं। तो हमने परीक्षा बोध के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, क्योंकि 4-5 तो हम लोग मान के नहीं चल रहे, तो यहां पर 6 चैप्टर हमने कर रखे हैं। और भी वीडियोस आपके लिए आएंगे, वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो गारंटी के साथ आपको बोल सकते हैं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे इस त्रैमासिक परीक्षा में। ये रहेगा इस बात के लिए। और हाँ, ये जो आपको समझा रखे ना ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ट्रिक के साथ समझा रखे, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ये बात की गारंटी। अगर आप लोग एक बार वीडियो देखो, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और अगर पसंद आए तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ये हम लोग आपसे बोलते हैं। ओके, तो ये रहेगा। और आप लोग कमेंट करें क्या चाहिए आपको, और जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसके लिए हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग पढ़ाई करें, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। ये रहेगा इस वीडियो में, पढ़ाई करें आप लोग सभी। ऑल दी वेरी बेस्ट।